आजकल मेरे को तो कई बार बड़ा दुख भी होता है, बहुत दुख होता है। मैं सन 74 में 14 वर्ष का 15 वर्ष का था जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में, जयप्रकाश नारायण के कहने पर मैं आंदोलन में कूद गया था। उस समय का भी मैंने लालू प्रसाद देखा है, मैंने उस समय का भी आंदोलन देखा है, और आज भी मैं जब लालू के बेटे को देखता हूं तेजस्वी को, और जब मैं ये देखता हूं कि लालू जी अब राहुल गांधी को मटन खिलाना सिखा, मटन बनाना सिखा रहे हैं, ये कैसी जुगलबंदी हो रही है। जिस लालू प्रसाद यादव ने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर उन कांग्रेसियों के साथ हाथ मिलाकर के खड़े हो गए जिनके खिलाफ आपने इमरजेंसी में लड़ाई लड़ी थी। क्या आपका समय आ गया, क्या स्थिति आ गई? ये राष्ट्रीय जनता दल क्या है? ये रिश्वतखोर जंगल राज दलदल है, जंगल राज दलदल है। आर स्टैंड फॉर रिश्वतखोरी, जे स्टैंड फॉर जंगल राज और डी स्टैंड फॉर दलदल, आज ये आकर के खड़ा हो गया। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, ये किस चीज का गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा घमंडिया गठबंधन है? ये घमंडिया गठबंधन दो बातों का है। एक तरफ मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार हटाओ, वो लाल किले से कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल में डालूंगा, और दूसरी ओर ये घमंडिया गठबंधन कह रहा है हम भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। ये सब बचाने में लगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो, किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, इन कांग्रेसियों ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी, सभी लोक में भ्रष्टाचार किया कांग्रेसियों ने। अब आप बताइए, लालू ने चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोला, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू ने अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू ने जमीन के बदले नौकरी का घोटाला किया कि नहीं किया? गरीब लोगों की नौकरी के नाम पर जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? आप बताओ, ये ममता अखिलेश ने, अखिलेश समाजवादी पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? काउ गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? साउथ में स्टालिन के लोग मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, के कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप एक बात बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जमानत पर है कि नहीं है? राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? तेजस्वी तेज प्रताप जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये ममता के मंत्री जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री जमानत पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? ये मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये ऐसा कुनबा है जिसमें आधे बेल पर है और आधे जेल में है। ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा, पूरे भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी, आओ गले मिले, आओ गले मिले, आओ तुमको मटन खिलाना सिखाएं, आओ तुमको मटन बनाना सिखाएं, ये दोस्तियां हो रही हैं। और सब लोग परिवारवाद, ये परिवारवाद की पार्टियां। मैं आपके सामने
मैं आपके सामने दुनिया देश की तस्वीर खींचना चाहता हूं। बोलो फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बोलो जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है? महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ मुलायम सिंह अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ लालू राबड़ी तेजस्वी तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए केसीआर केटीआर कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए करुणानिधि उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सारे लोग, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो मैं और मेरा परिवार, बाकी सब झुनझुना बजाओ। बताइए मैं एक नाम तो भूल ही गया, बोलिए बताइए सोनिया राहुल प्रियंका ये भी परिवार की पार्टी बन रही है कि नहीं बन रही है? सब परिवार की पार्टी है। और ये लोग हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। अभी संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर लिख करके गए कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, और ये लोग, ये इंडिया घमंडिया गठबंधन, ये पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित, इनका आरक्षण छीन कर धर्म के नाम पर आरक्षण करना चाहते हैं। बताइए ऐसे लोगों को आगे आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलो आने देंगे क्या? ये राम विरोधी है। आप बताइए ये यूपीए की सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है? ये एफिडेविट दिया था कि नहीं दिया था? और इन्होंने कहा था कि नहीं था कि राम का केस लटकाओ अटकाओ भटकाओ? ये प्रधानमंत्री आपने मोदी जी बनाया तो जाकर के कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, ये हम सब लोगों ने देखा।